नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, ये नारा याद है दर्शकों? बहुत ज़ोर से लगाया गया था ये नारा 1992 में, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस इस देश ने देखा था। आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2024 जनवरी 22 को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री मोदी जाकर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तमाम तरह तैयारियाँ जोरों पर है। तो वहीं अब उस नारे को याद कीजिए, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी में ज्ञान व्यापी मस्जिद, तो मथुरा में शाही ईदगाह का मामला। अब जो मथुरा का शाही ईदगाह का मामला था, उस पर भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप वहाँ सर्वे कराइए। क्या कुछ कहा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, पहले तो वो जान लेते हैं। दोस्तों, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या ज्ञान व्यापी मस्जिद वाला नज़ारा फिर से देखने को मिलेगा। कोर्ट के फैसले के बाद भले ही राजनीतिक दल खुल के अपनी प्रतिक्रिया ना दे रहे हों, लेकिन इस फैसले पर राजनीतिक सुगबुगाहट तो तेज हो गई है। आप और हम जैसा कि जानते हैं कि राम मंदिर का फैसला भी देश की सुप्रीम कोर्ट से निकला था। कोर्ट की सूझबूझ और विवेकशीलता की ही वजह से देश का इतना बड़ा मुद्दा शांति से सुलझ गया। लेकिन राम मंदिर पर कौन सा दल पॉलिटिकल वॉकओवर ले रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। भाजपा को पता है कि कैसे कोर्ट के फैसले का सम्मान रखते हुए अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया जाए। भाजपा के नेता शुरू से ही कहते रहते हैं कि मथुरा भी उनके एजेंडे में शामिल है। दर्शकों, कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व के एजेंडे की बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। दर्शकों, याद है आपको साल 1992, जब देश के लाखों लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर हथौड़ा चल गया था, मुस्लिम समाज के मान्यताओं को जमी दौस कर दिया गया, वो भी भाजपा के नेताओं के सामने, जो भाजपा कहती है सबका साथ सबका प्रयास और सबका विश्वास। दोस्तों, उसके बाद देश के भीतर एक नारा खूब गूंजा, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एक तरह डर का माहौल बनाने की कोशिश की गई अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ देश के भीतर। और यह आदत भाजपा की पुरानी है कि जैसे ही देश में चुनाव होते हैं, वह मंदिर मस्जिद करने लगती है। क्या देश के PM को देश की गद्दी इसलिए सौंपी गई थी कि वह मंदिर और मस्जिद के साइज नापते रहें? अगले साल फिर से चुनाव आने हैं और ठीक उससे पहले मथुरा में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि के मामले ने तूल पकड़ लिया है। क्या यह संयोग मात्र था, कथित तौर पर भाजपा द्वारा किया गया प्रयोग है, जिसके सहारे भाजपा 2024 की राजनीतिक रोटियां सेक सके, हिंदू समाज का ध्रुवीकरण कर सके? शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की अनुमति कोर्ट ने दे दी है, जिसके बाद देश के भीतर धार्मिक उन्माद और नफरत की हवा फिर से तेज हो गई है। दोस्तों, कहते हैं ना, जब धर्म के साथ राजनीति की मिलावट हो जाती है, तभी आम जनता के आशियाने चलते हैं। भाजपा शायद कर भी कुछ ऐसा ही रही है। भाजपा ने जो देश की हवा में राष्ट्रवाद का गुब्बारा फुलाया, उसमें गैस तो हिंदुत्व की ही भरी हुई है। देश के भीतर अगले साल चुनाव है। कोर्ट का फैसला, एक फैसला आया जिसमें शाही ईदगाह के भीतर सर्वे कराने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद से अटकलें लगने लगी है कि देश के भीतर फिर से धर्म की आग लगा दी गई है, जिसके बाद से अटकलें ये भी लगने लगी है कि देश के भीतर अब क्या होगा। इस पूरे मुद्दे पर AIMIM के प्रमुख ओवैसी साहब ने अपनी नाराज़गी जता दी है। उन्होंने कहा कि कानून का मजाक बना दिया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने की इजाज़त दे दी। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार की शरारत बढ़ेगी। जिस तरह से AIMIM के ओवैसी ने जिस तरह से संघ का नाम लिया है, उन्हें उनके संस्थापक सदस्यों में से गोलवलकर क्या सोचते थे, अगर यह जान लेंगे तो आपको सारी कहानी बहुत हद तक साफ
हो जाएगी। गोलवलकर सोचते थे कि इस्लाम का जन्म हिंदुस्तान में नहीं हुआ, ये धरती सिर्फ हमारी है। सावरकर की जो मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि वाला जो सिद्धांत है, गोलवलकर उसे बहुत हद तक मानते थे। गोलवलकर कहते थे कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि मुसलमान जुमे की नमाज अदा करें, मस्जिद बनाएं, अगर वो माने कि वह हिंदू सभ्यता की ही उत्पत्ति है। अब सारी कहानी आपके सामने स्पष्ट हो गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोप ये लगते हैं कि भाजपा को वैचारिक संरक्षण संघ प्रदान करता है। आप बाइट सुनिए स्वामी चक्रपाणी, उन वकील की जो शाही ईदगाह और भगवान कृष्ण जन्मभूमि के मामले से जुड़े रहे, और विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है। तमाम लोगों की बाइट एक के बाद एक आपके लिए हमने सुनाने के लिए रखी है, आप इस बाइटों को सुनिए। दोबारा बोल देना जी। कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसमें एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी। इसके लिए हमने एप्लीकेशन मूव की थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में। एप्लीकेशन का नंबर एप्लीकेशन 130 का। उस एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और ये कहा है कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी किया जाए। एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन होगा, कितने मेंबर पैनल बने, कितने बजे से होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, वो सारे मॉडेलिटीज़ कोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी। अच्छा, कितनी बड़ी जीत मानते हैं ये, क्योंकि जिस तरह की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं एक वकील हूँ और एक लॉयर होने के नाते मेरी ड्यूटी है कि जो केस के हमारे फैक्ट्स हैं उसको और पुख्ता किया जाए, और उसके लिए हमने ये एप्लीकेशन मूव की थी ऑर्डर 26 रूल 9 में, जिसको आज माननीय न्यायालय ने अलाउ किया। अच्छा, क्या आपने दलील दी थी उस समय कि किस तरह से जो है अयोध्या में भी इस तरह से किया? देखिए, हमारे मेन फैक्ट्स ये थे कि ये ऐसा जटिल केस है जिसके लिए वस्तु स्थिति तय करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए स्पॉट पोजिशन तय करना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में, जिसको हम श्री कृष्ण जन्म स्थान मानते हैं, उस शाही ईदगाह के सर्वेक्षण का आदेश दिया है। मैं सोचता हूं कि कोर्ट में जो दो पक्ष जाते हैं, दोनों सत्य की जीत चाहते होंगे, इसलिए मैं नहीं समझ पाया कि मुस्लिम पक्ष को इससे क्या विरोध था। निष्पक्ष लोग, विशेषज्ञ लोग वह सर्वे करेंगे, उस सर्वे में से जो सच सामने आएगा उसको कोर्ट को बताएंगे, और कोर्ट को उससे सुविधा होगी कि वो निर्णय दे, न्याय करे। फिर भी इसका विरोध हुआ था, आज कोर्ट ने फैसला किया है। मैं मानता हूं कि सत्य और न्याय के पक्ष का ये फैसला है। मैं अपेक्षा करूंगा कि दोनों पक्ष इसमें सहयोग करेंगे, और मैं यह भी विश्वास करता हूं कि इस सर्वे से यह साबित होना संभव होगा कि यह ईदगाह एक मंदिर के ध्वंसावशेषों पर बनाई गई है, और इस स्थान का मूल चरित्र अभी भी मंदिर का ही है। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। माननीय हाई कोर्ट द्वारा जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि की सर्वे की याचिका स्वीकार की है, निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, मुस्लिम पक्षकार आगे बढ़ के भाईचारा साबित करें, और जो भी हिंदुओं के मंदिर है उस पर अपना दावा वापस लेते हुए देश दुनिया में एक भाईचारा का उदाहरण पेश करें। इसी से देश ही नहीं पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा कि हिंदुओं की जो मंदिरों पे मुगलों ने कब्जा किया उसको वर्तमान में जो कब्जेदार थे, जो वर्तमान में जो मुस्लिम पक्षकार थे, उन लोगों ने दावा वापस ले करके और हिंदुओं को सौंपते हुए भाईचारा स्थापित किया है। तो ये अभी भी समय है, मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत काशी और मथुरा से किया जाए, और उसके बाद सैकड़ों हजारों मंदिर है उसको पुनर जो है उसकी निर्मित करा करके एक प्राश्चित स्वरूप मुस्लिम पक्षकार उसको हिंदुओं को सौंपे और भाईचारा का मिसाल स्थापित करे। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, आप लोगों का क्या सोचना है शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि वाले विवाद पर, हमें जरूर लिख भेजें।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।